You're listening to ChiniMandi.com podcast. इस्मा ने पीएमओ को पत्र लिखकर चीनी की एमएसपी बढ़ाने की मांग। तालिबान के कब्जा करने के बाद भारत द्वारा अफगानिस्तान को चीनी निर्यात प्रभावित। श्रीलंका में चीनी जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्यवाही शुरू। दोराला मिल ने किया गन्ने का 100% भुगतान। अब पश्चिम बंगाल में भी इथेनॉल उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। संजीवनी मिल कर्मचारियों द्वारा किया गया हड़ताल। यूक्रेन में 2021-22 में चीनी उत्पादन बढ़कर 14 लाख टन होने का अनुमान। उत्तर प्रदेश में गन्ना मंत्री द्वारा पेराई सत्र से पहले 100% गन्ना भुगतान के निर्देश। 17 सितंबर को होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। आज आए कोरोना के 47,092 नए मामले। ये सारी न्यूज पढ़ने के लिए विजिट करें chinimandi.com और यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाइए।